ये जो आप आपकी राय तो ये थी कि उनको फेडरल गवर्नमेंट ले लेनी चाहिए थी पंजाब की जो है वो यहाँ पे नहीं मैं आज उनकी पार्टी की कह रहा हूँ उनकी पार्टी की ये राय थी ये, ये राय थी मरियम नवाज साहबा के बारे में एक और जो एक तासुर दिया जाता है इस पर आप तबसरा कीजिएगा कि क्या वो मियाँ साहब को ड्राइव करती हैं वो मियाँ साहब को बताती हैं कि मियाँ साहब आपको ये करना चाहिए और मियाँ साहब बेटी की बात मान जाते हैं या कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ मरियम जो कुछ कह रही है ऐसा ही होना चाहिए नहीं आई डोंट थिंक सो अच्छा Uh, शरीफ फैमिली में दी ओनली विजनरी इज़ नवाज शरीफ हिमसेल्फ अच्छा एंड uh, नवाज शरीफ के विजन पे ही सब चलते हैं मशवरे उसको ज़रूर दे सकते हैं वो मशवरे सबके सुनते हैं uh, लेकिन अमल uh, वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं जाता ना शहबाज़ साहब ना मरियम हाँ uh, हा, घर के अंदर इनकी वर्किंग में कल्सूम साहबा का बड़ा रोल था अच्छा और मरीम को अगर किसी ने बनाया है तो उसमें बेगम कलसूम नवाज शरीफ का अहम तरीन रोल था हुआ ये था कि अगर आप याद करें कि मैंने और हामिद मीर साहब ने मिल के एक इंटरव्यू किया था नवाज शरीफ साहब का जब जरदारी साहब सदर थे ठीक है और हमने ये पूछा नवाज शरीफ साहब से कि आपका मुमकिना जानशीन कौन होगा तो ही वॉज वेरी क्लियर के हमज़ा अच्छा ठीक है और उस वक्त जिस वक्त ये इंटरव्यू हो रहा था तो कैमरे के पीछे हुसैन नवाज भी बैठे थे अच्छा तो उनकी मौजूदगी में भी उन्होंने ये कह दिया और मरियम का तो कहीं नामो निशान ही नहीं था ना कौन सा साल था ये ये आप ये देखे ना ये तो दो हजार आठ, आठ नौ दस ग्यारह उसी टाइम की।, की बात हुँ। हुँ। हुआ यह है कि जो मरियम साहबा थी और कल्सूम साहबा थी ये जद्दा में जब नवाज शरीफ जलावतन रहे तो वहाँ उनके पास शाम को के बाद कोई मसरूफियत नहीं होती थी ठीक है जो मसरूफियात थी वो दिन में निपट जाती थी तो शाम डिनर के बाद या डिनर से ले के, बा, के बाद तक जो तीन चार घंटे होते थे उसमें रोज़ मरियम साहबा और कल्सूम साहबा उनके साथ बैठते थे ठीक है और शुरू में मियाँ शरीफ साहब भी जब जिंदा थे वो भी बैठते थे जब ये यहाँ आ गए तो यही प्रैक्टिस जारी रही जब ये वज़ी बन गए तब भी ये प्रैक्टिस जारी रही और इस दौरान में कलसूम साहबा ने मरीम को उनके इतना करीब कर दिया सियासत में भी और फिर एक गलती शहबाज़ फैमिली से भी हुई अच्छा वो गलती ये हुई कि जब पनामा आया तो पनामा में जिस तरह कंधे से कंधा मिला के शहबाज फैमिली को नवाज़ फैमिली के साथ खड़ा होना चाहिए था उसमें इनसे कुछ कुताई हुई हाँ। और उस कोताही का फ़ायदा जो है वो मरीम को मिला और मरीम जो है वो और करीब हो और करीब हो गई और फिर आ, जो है आ, बाद में शहबाज साहब ने और हमजा साहब ने उसको और फिर उस वक़्त ऐसे लगता था कि इनकी पॉलिसियों में भी दो राय थी शहबाज साहब ये चाहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट से ना लड़ा जाए और हमजा साहब भी उनके हमने वा थे और मरियम जो थी और नवाज शरीफ साहब वो समझते थे, थे कि इनके साथ हमारा गुजारा ही मुमकिन नहीं तो इसका मतलब है कि दो नुकतः नज़र भी उस वक़्त वजूद में आ चुके थे लेकिन अगर ये बात आप महसूस कर रहे हैं जो कि उस फैमिली से ताल्लुक नहीं रखता तो ये बात तो फिर आ, मरियम नवाज़ भी फील करती होंगी कि भाई को जिस तरह भाई को सपोर्ट करना चाहिए था पाना के दौरान वो नहीं किया गया और मैं इसकी एक इंटरव्यू मैंने शरीफ साहब का किया था ईद से पहले सॉरी ईद कह रहा हैं इलेक्शन से पहले ईद तो आ, नून ली की हो गई थी इलेक्शन से पहले तो मैंने उस दौरान मियाँ साहब के जो एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स थे मैंने उस हवाले से उनसे सवाल किया कि ये अपार्टमेंट्स किसके हैं छोटे मियाँ साहब से मैंने सवाल किया उन्होंने कहा मुझे नहीं पता किसके हैं उन्होंने जवाब ही नहीं दिया मैंने कहा आप वहाँ पे मिलते रहे अपने भाई से मिलते हैं वहाँ पे जाके आपका काफ़ी ज़्यादा मिलना मिलाना रहे आपको ये नहीं पता कि किसके अपार्टमेंट्स हैं उन्होंने जवाब देने से इंकार कर उन्होंने कहा मुझे नहीं पता है किसके अपार्टमेंट्स हैं मुझे हैरानी हुई कि आप अपने भाई की फैमिली को का को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है तो अभी आपकी उस बात से मैंने रेजोनेट किया कि वो देखें मरियम साहबा जाहिर है बड़ी समझदार हैं और शहबाज़ साहब और उनके बच्चे भी बड़े समझदार हैं वो इन चीज़ों को चाहे कहें ना कहें लेकिन वी कैन फील कि भाई ये उस वक्त से एक दूरी जो है वो पैदा हुई स्पेशली बिटवीन हमजा एंड दोनों शहबाज साहब ने फिर उस गैप को फिल कर लिया शहबाज साहब ने बाद के वाक़ात में फिर जिस तरह से नवाज शरीफ की के लिए लड़ाई लड़ी जिस तरह से उनके साथ लायल्टी निभाई तो उन्होंने बहुत हद हाँ तक वो गैप जो है वो फिल कर लिया और जो अगर कोई उनके जहन में था भी मियाँ नवाज शरीफ के जहन में वो उन्होंने निकाल दिया निकाल दिया